छोटा सा यहाँ पर अदरक और थोड़ा सा ऑयल डाल के लिया है। यहाँ पर मैंने एक कप सफ़ेद तिल लिया है और थोड़ा सा सेजवान पेपर, और यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्ची पाउडर। अब हमें कोई भी बर्तन लेना है, बर्तन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है दोस्तों। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अदरक को ऐड कर देना है और अदरक को थोड़ी देर भुनना है दोस्तों, कम से 1 से 2 मिनट तक उसे भुनना है ताकि उसका अच्छी तरह से फ्लेवर निकल आए। फिर उसके बाद हमें थोड़ी सी लहसुन को ऐड कर देना है, लहसुन को भी हमें उसी तरह से भुनना है, धीरे से 1 से 2 मिनट तक भुन देना है दोस्तों। थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए तो दोस्तों हमें सेसमी और सिचुअन का भी ऐड कर देना है, और इसे भी हम सेम उसी तरह से भुनेंगे धीरे धीरे से मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये रोस्ट भी हो जाए और सिचुअन पेपर का थोड़ा सा फ्लेवर निकल आ जाए। अब हमें धनिया को ऐड कर देना है दोस्तों। धनिया को भी हमें धीरे से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, एकदम ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, इसे भी खाली इसका फ्लेवर निकालने का है और थोड़ी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें कटे हुए लाल मिर्च को ऐड कर देना है दोस्तों। अब इसे भी हम थोड़ी देर पकेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया दोस्तों। अब हमें टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है दोस्तों। अच्छी तरीके से टमाटर पकने के बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच एरोमेट पाउडर लिया है, और मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है दोस्तों। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा ये रेडी हो गया पीसने के लिए। देखिए कितने अच्छी तरीके से बन गया है। अब हमें मिक्सर में डाल देना दोस्तों। गरम गरम मैंने यहाँ पर डाला है, अगर आप चाहते हो तो ठंडा करके भी पीस सकते हो दोस्तों। अब हमारा सॉस ये रेडी हो गया दोस्तों। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और ये सॉस आप लोग 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो दोस्तों। और ये रेसिपी आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।